लोकसभा चुनाव में सभी सीटों के रुझान आने के बाद किसी भी अकेले दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए को 296 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो रुझान में उसे 230 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बना सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बहुमत के जादुई आंकड़े से वह काफी दूर है। चुनाव परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन को तृणमूल का साथ मिलना तय है। अगर इंडिया गठबंधन सरकार के लिए पहल करता है तो तृणमूल का साथ आना तय है। नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की पहल की थी। नीतीश ने ही इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक पटना में आयोजित की थी। भाजपा ने जनवरी 2024 में जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इससे पहले नीतीश राजद और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार के मुखिया थे। नीतीश ने गठबंधन छोड़ा तब भी लालू ने उनकी वापसी की संभावना जताई थी। ऐसे में अगर इंडिया ब्लॉक नीतीश को केंद्र में अच्छा पद देता है तो हो सकता है कि वो पाला बदल ले। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। लोकसभा इलेक्शन में टीडीपी के 16 सांसद जीत के करीब हैं। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हैं तो इंडिया गठबंधन सरकार बनने की ओर बढ़ सकता है। हालांकि शरद पवार ने महाराष्ट्र में पत्रकारों को कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अभी तक कोई बात नहीं की है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। केंद्र में सरकार बनने की स्थिति में वे कांग्रेस उन्हें भाई को गठबंधन के साथ लाने की जिम्मेदारी सौंप सकती है। रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। पिता के कांग्रेस से पुराने संबंधों को देखते हुए जगनमोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन के करीब आ सकते हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजद को 55 और कांग्रेस को 14 सीटें मिल रही है। लोकसभा में बीजद के पास कुल एक सीट आ रही है। ऐसे में वह इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ सकती है। हालांकि राजनीति में नेता कब पलटी मार दे कुछ कहा नहीं जा सकता है।